नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रकाश, मेरा तो जीना हराम हो गया है। जिस मुसीबत से छुटकारा पाकर हम लोग इस बंगले में आए थे, तुम फिर उन्हें यहाँ उठा लाए। रीना, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। लेकिन मैं पूछती हूँ, आखिर ये मुसीबत कब तक हमारे गले बंधी रहेगी? मुन्ना, ओ मुन्ना, मुन्ना, अरे क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं बहू। माँ जी, आपसे कितनी बार कहा कि आप अपने कमरे में बैठा कीजिए, मेरी तो समझ में नहीं आता आप यहाँ क्या लेने आती हैं। मैं भाभी ठीक है थी माँ, तुम्हारे यहाँ क्या काम है, कितनी कीमती सिर तोड़ दी। सॉरी भाभी, चलो आ जाओ, ये साफ करो। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने भाभी के सामने तुम्हें बुरा भला कहा, मगर मैं क्या करती, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं देती। कोई बात नहीं बेटी। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं पिताजी, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। अच्छी खबर? मजाक करती बेटी? मजाक नहीं पिताजी, ये सच है। ये देखे ना, मुझे एयर फ्रांस में एयर होस्टेस की नौकरी मिल गई है और मैं ट्रेनिंग के लिए कल ही पेरिस जा रही हूँ। पेरिस? हाँ बेटी, प्रकाश तो इस घर में रहकर भी हमसे बहुत दूर है, और तू भी इतनी दूर जाएगी? अरे माँ, 3 हफ्तों की तो बात है, फिर वापस आते ही 1,500 तनख्वाह और रहने को नया मकान खुद आ जाएगा। सुन बेटी। बेटी नहीं, बेटा। मुन्ने राजा, तुम घबराओ नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारी आंटी तुम्हें लंदन, पेरिस, रोम, टोक्यो, बैंकॉक सब जगह घुमाएगी। हाँ। भैया, भाभी, मैं जा रही हूँ, मेरी आपसे ही विनती है, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, माँ और पिताजी को बोझ समझकर नहीं, मेरी अमानत समझकर रखना। विदेश का पहला सफर मुबारक हो गीता। थैंक यू। क्या बात है गीता, तुम कुछ खोई खोई सी नजर आ रही हो। रंजीत, माँ और पिताजी का ख्याल रखना। अरे तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं उनका पूरी तरह से ख्याल रखूंगा। तेरा मुन्ना पाखान कहता है मैं हूँ अनजान, आता है मक्खी का दाना, लेकिन अपने दादा को छोड़कर कहीं। पिताजी, जब आपको सांस की बीमारी है तो मुन्ने को अपने पास क्यों बिठाते हैं? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? रीना, इंसान को इंसान समझो, इतना घमंड ना करो। अगर इतनी हमदर्दी है तो ले जाओ इन्हें अपने बाप के बंगले पर। रीना! लेकिन तुम इन्हें वहाँ कैसे ले जा सकते हो, वहाँ से तो तुम खुद ही धक्के मार के निकाल दिए गए हो। बेटा, हमें माफ कर दो बेटा, हमारी वजह से तुम्हें बुरा भला सुनना पड़ा, अब तुम यहाँ मत आया करो, हमें अपने हालत पर छोड़ दो। हाँ बेटे, हमारे नसीब ऐसे हैं। अब तो ये नसीब बदलने पड़ेंगे, चाहे इसके लिए मुझे चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े। नए सौदे में 20 लाख का फायदा हुआ है, अपने हिस्से के 10 लाख ले जाओ। अरे साईं, डरी रहने दो, ये भी अपना ही घर है। अरे 2 नंबर का माल है, ऊपर से इमरजेंसी चल रही है, किसी वक्त रेड पड़ गई तो। अरे साईं, शुभ शुभ बोलो, शरीफ आदमियों के घर में भी कभी रेड पड़ी?
मिस्टर मायादास, प्लीज ओपन दिस। क्या रेत पर गया? 20 लाख रुपया? क्या हुआ? अरे मैं मर गया डार्लिंग। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा 10 लाख रुपया चला गया। मिस्टर रंजीत, ये पहला मौका है कि एक बेटे ने अपने देशद्रोही बाप की काली दौलत पकड़वाने में कानून की मदद की है। आज मुल्क को तुम्हारे जैसे ईमानदार और सच्चे नौजवानों की जरूरत है। वी आर नॉट प्राउड ऑफ यू। ये रहा तुम्हारा इनाम। थैंक यू सर। अरे भाई डॉक्टर साईं कितना है? 100, 160, 160, 110, 180। सेठ जी आप दोनों का रक्त दबाव बहुत बढ़ गया है। अरे तुम रक्त को रो रहे हो, हम अपने वक्त को रो रहे हैं। वक्त मत बनिए सेठ जी, कुछ अपनी सेहत का तो ख्याल कीजिए, पैसा तो फिर भी आ जाएगा। अरे भाई किधर से आ जाएगा? ये हमारे खून पसीने की आखिरी कमाई थी और अब तो सरकार ने ये धन कमाने के भी सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आ जाएगा, चलियो। आप ये गोली खा लीजिए, रक्त दबाव नीचे आ जाएगा। हम तो 20 लाख के नीचे आ गए डॉक्टर, अब रक्त दबाव नीचे ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है? तुम सॉरी दादी, बड़ा अफसोस हुआ अखबार में पढ़कर कि आपके वफादार और फरमाबरदार बेटे बड़ी बेदर्दी से आपको छोड़कर सरकारी खजाने में जा बसे हैं। इस नालायक और बदतमीज बेटे से रहा नहीं गया, इसलिए चला आया। ये लीजिए। ये रुपए किसके हैं आप नहीं समझिए? समझिए क्या? हाई सेठ जी के। तुम कौन हो? कौन हो? कादरा भाई, 3 दरवाजे वाला। तारिक ये पैसे उठाइए और किशोरी लाल जी के मकान की चाबियां दे दीजिए। कितने हैं ये? पूरे 60,000। और 5,000 ब्याज के? जी। कादर। अरे ठहरो भाई, मवाली उठा लो से जी, इस वक्त ये भी बूढ़े नहीं हैं। लक्ष्मी किस्मत से जाती है, पकड़ो, और किस्मत से आती है। बहादुर ये लो तुम्हारा जमीन का पैसा, पूरे 8,500 है। बहादुर तुमने जमीन बेचकर गांव से अपना आखिरी रिश्ता भी तोड़ दिया। अरे भैया, जिंदगी में कुछ रिश्तों को जोड़ने के लिए कुछ रिश्तों को तोड़ना भी पड़ता है। बहादुर ये साड़ी किसके लिए लेके जा रहा है? ये अपनी लाजो बहन के लिए। ओ, कितनी खुश होगी इसको पहनकर। बहू, ओ बहू। क्या है माँ जी? तेरे पिताजी को दवाई खानी है, थोड़ा सा दूध चाहिए। दूध तो खत्म हो गया। तो बाजार से मंगा दे, इस वक्त सब दुकानें बंद हो गई हैं माँ जी। कहाँ जा रहे हो तुम? पानी नहीं, जरा पानी ले आता। ठहरो मैं ले आती हूँ। बहू ये क्या किया माजी? पानी लेने आई थी, ये बर्तन गिर गया। पानी लेने आई थी या दूध लेने आई थी? दूध। मगर तुम तो कह रही थी कि घर में दूध नहीं है। मुन्ने के लिए थोड़ा रखा था जो आपने गिरा दिया। माफ करना बहू। माँ तुम्हें दूध चाहिए था तो मुझसे कहा होता, इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? प्रकाश तुम ठीक कह रहे हो बेटे, जब बुरा वक्त आता है
तो इंसान की अकल मारी जाती है। दरअसल मैं दूध ही लेने आई थी, मैं दूध ही लेने आई थी बेटे। रोने लाजो, मैंने सब सुन लिया। तुम बर्दाश्त की बेखाद होती है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब यहाँ नहीं रहेंगे लाजो। माधव, माँ और पिताजी कहाँ हैं? नीता दीदी, वो लोग ये घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए? कहाँ चले गए? न जाने कहाँ चले गए। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से उन्हें तलाश कीजिए, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। वाह, तुम्हारे जैसे श्रवण कुमार बेटे को माँ बाप की फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी? गीता, लाओ मेरी अमानत। कहाँ है मेरी अंधी माँ? कहाँ है मेरा बीमार बाप जिन्हें मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ गई थी? गीता, खुद मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि बिना कुछ कहे वो कहाँ चले गए, क्यों चले गए? ये अपने दिल से पूछो, अपनी करतूतों से पूछो। क्या जुल्म ढाए होंगे तुम दोनों ने, जो उन्हें रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर अपने ही बेटे के घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बकवास बंद करो गीता। भैया, जिस बाप ने तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा, तुम उन्हें 4 दिन भी अपने घर में नहीं रख सके? गीता, कितने चाव से उन्होंने तुम्हारा नाम प्रकाश रखा था, मगर अफसोस तुमने उन्हें सिवाय अंधेरों के कुछ नहीं दिया। किसी ने सच कहा है, बेटा न हो एक दुख, हो के मर जाए 100 दुख, हो और नालायक निकले तो दुखों का कोई ठिकाना नहीं। गीता, तुम आ गई। गुड न्यूज़ गीता, मैं डैडी से मकान छुड़ा कर ले आया हूँ। रंजीत, तुम बहुत देर से पहुंचे, माँ और पिताजी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नहीं प्रकाश की माँ, मत जा, इतनी दूर तक मेरा साथ दिया है, 2 घड़ियों साथ नहीं दोगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं अभी डॉक्टर को लेके आती हूँ। मधु, चल बड़ी मेरे साथ। क्या ये सच है कि रंजीत ने इनकम टैक्स वालों को खबर दी? लेकिन सेठ जी, इसमें रंजीत बाबू का क्या कसूर? कसूर तो उन कंगलों के खानदान का है जिन्होंने आपके बेटे पर जादू कर रखा है। मकान तो छुड़ा ही लिया, अब उनकी नजर आपकी दौलत पर है। मैं उस खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा, उस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। चलो। आज भी कुछ पता नहीं चला? नहीं मौसी, शहर का कोना कोना छान मारा, कुछ नहीं पता चला। मैं डॉक्टर को ले आई हूँ प्रकाश के पिता। डॉक्टर साहब, घबराओ नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थोड़े दिन में गीता भी आने वाली है, बहादुर भी आ जाएगा, फिर हम लोग एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। बहन, मौत से जिंदगी की बात कर रही हो? लाला जी तो हम सब को छोड़ के चले गए। तुमने मेरा जरा भी इंतजार नहीं किया, पूरा वक्त आया।
तो तुम भी साथ छोड़कर चले गए। बहन, आखिरी वक्त उनके हाथ में ये चिट्ठी थी। लाजो, मुझे माफ कर देना। जिंदगी भर सिर्फ कोशिश ही करता रहा कि तुम्हारी झोली में चंद खुशियां डाल सकूं, मगर सिवाय दुखों के तुम्हें और कुछ नहीं दे सका। मैं नहीं चाहता कि इस बेदर्द दुनिया के अंधेरों में तुम भटकती रहो, ठोकरें खाती रहो। मेरी आंखें तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस ला सकती हैं, इन्हें अपना लेना। मुझे यकीन है तुम अपने इस बदनसीब पति की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगी। ये तुमने मुझे किस दुविधा में डाल दिया प्रकाश के पिता? मैं ये दुनिया देखना नहीं चाहती। ये दुनिया देखने के लायक भी तो नहीं। ये दुनिया को क्या हुआ राजू, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया बहादुर। अब कुछ नहीं रहा, कुछ भी तो नहीं रहा बहादुर। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। साड़ी की बात, अगर अगली दिवाली पर अपनी बहन को बनारसी साड़ी पहनाकर दुल्हन बनाकर आपके साथ खड़ा ना कर दूं तो मेरा नाम बजरंग बहादुर नहीं। बहादुर,
होता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। मुन्ने को वापस दे दो। मुन्ने को वापस दे दूं? क्या रे, इतने से बच्चे के लिए इतनी जल्दी इतना प्यार हो गया तुम्हें? इस नन्ही सी जान के लिए तड़प रहे हो, लेकिन कभी यह भी सोचा तुमने कि जिन माँ बाप ने 25 बरस तक तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वो भी तेरे लिए कितना तड़प रहे होंगे? प्रकाश, अब मैं तुम दोनों को तड़पाऊंगा, तुम दोनों को तड़पाऊंगा। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तू अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन कभी ये भी सोचा तूने कि वो बदनसीब माँ बाप कैसे जिंदा रहे होंगे जिनका ये बच्चा तूने उनसे छीन लिया? तुझे अपना बच्चा चाहिए तो ला मेरी बहन की आंखें, वापस कर मेरी विधवा बहन का शोहर। मामा, बहादुर, मुन्ने को दे दे। नहीं, मुन्ने को दे दे बहादुर। तू बीच में मत आ जाओ। मुन्ना दे दे बहादुर, तुझे मेरी कसम। नहीं, तुझे अपने जीजाजी की कसम। गीता को छोड़ दो। माफ कीजिए रंजीत बाबू, आज आपको छोड़कर इन सब का आखिरी दिन है। पहला नंबर 13। जय पशुपति लाल। किसी तरह एक मां का इकलौता बेटा किसी लड़की के प्यार में दीवाना हो गया। एक दिन लड़की ने उससे कहा, अगर तुझे मुझसे सच्चा प्यार है तो जा, अपनी मां का दिल लेकर आ। मूर्ख बेटे ने मां का दिल निकाला, बेतहाशा लड़की की तरफ भागा, रास्ते में ठोकर लगी, लड़का गिर पड़ा। मां के दिल से आवाज आई, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? प्रकाश के पिता
तुम ही कहा करते थे अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया, आंखें बिल्कुल ठीक ढंग से लग गई। थैंक यू डॉक्टर साहब। जय पशुपतिनाथ। प्रकाश के पिता, जो दिन देखने के लिए तुम जिंदा थे वो दिन आज आ गया है, मगर तुम नहीं हो। बस मन को एक ही शांति है, ये हरा भरा परिवार, ये फिर से बसा हुआ घर, मैं तुम्हारी आंखों से देख रही हूँ। अरे राम परमात्मा, भाई बनने चले थे दो नंबर के अमीर, बन गए एक नंबर के फकीर। अरे आओ भाई रंजीत, गीता मुबारक हो, हार्टी कांग्रेचुलेशन बाबा। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं वादा करता हूँ आइंदा आठ नंबर के पांव के लिए छह नंबर का जूता मंगवाने की गलती कभी नहीं करूंगा बेटी। उस्ताद जल्दी करो, अगर हवाई जहाज छूट गया तो हनीमून पेरिस के बजाय टेरिस में मनाना पड़ेगा। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।